लगातार खबरों के लिए बेल आइकन दबाइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यूज 29 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 29 इंडिया में। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। मध्य प्रदेश में सरकार बचाने को लेकर तमाम कवायद इस समय देखने को मिल रही है। कमलनाथ सरकार ने विधायकों को सुरक्षित रखने के लिए जयपुर रवाना किया है और कुछ विधायक और मंत्री अभी राजधानी में मौजूद रहकर सत्ता को बचाने में जुटे हुए हैं। उसी बीच विदिशा से कांग्रेस के विधायक शशांक भार्गव सीएम हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने चर्चा में कहा कि मुख्यमंत्री कमलनाथ ने मुझे स्पेशल टास्क पर लगाया हुआ है, इस वजह से मैं जयपुर रवाना नहीं हुआ हूं। सिंधिया पर पूछे गए सवाल के जवाब में कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव ने कहा कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता और मैं उनके बारे में क्या कह सकता हूं। साथ ही कहा कि मैं इतना बड़ा नेता नहीं कि मुझे बीजेपी की रणनीति के बारे में पता चल सके। शशांक भार्गव ने सिंधिया के कर्ज माफी न करने के बयान पर कहा कि मुख्यमंत्री ने 10 दिन के भीतर जो कहा था वह काम कर दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 29 इंडिया। कामन हो रहा है, मैं तो बड़ा नेता नहीं कि पहले जानकारी मुझे कहा ही जा रहा था कि आपकी मौजूदगी को लेकर आप आज यहाँ पे अगर नहीं आने पाते तो मैं आपके साथ में इसलिए अच्छा बुलवाया। जब विधायक सारे जयपुर के अंदर और आप यहाँ पर मौजूद हैं, इसका कहना कि मिशन में है थोड़ी सर, वो कह रहे हैं माफी नहीं करी, मर्जी के मालिक हैं, वो गए, उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि जाने वाले को रोका नहीं जा सकता, आने वाले को रोका नहीं। आप सरकार के लिए बोल रहे हैं, आपकी सरकार भैया आपकी सरकार के लिए बोल रहे हैं, ना कर्ज माफी करी, ना रोजगार दिया, तबादला उद्योग सरकार में सीधा आरोप है। वो आप कर्ज माफी का जहाँ तक सवाल है, 10 दिन का वायदा किया, 10 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए जिसमें किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ नहीं करने की बात की। 2 लाख रुपए के एनपी अकाउंट माफ कर दिए गए, इसके बाद 50,000 रुपए तक के पी अकाउंट माफ कर दिए गए और अब 1 लाख रुपए तक के पी अकाउंट। समय की बात है, सफलता मिल रही है, सफलता मिलेगी और सरकार कांग्रेस की। तो आप देखते रहिए न्यूज 29 इंडिया, एक देश सारे प्रदेश।